प्रगतिशील भोजपुरी समाज एवं प्राउटिस्ट फोरम के संयुक्त तत्वाधान में रविवार को बख्शीपुर स्थित चित्रगुप्त मंदिर के सभागार में एक संगोष्ठी का आयोजन संपन्न हुआ, जिसमें मुख्य वक्ता के रूप में दिल्ली से आए प्राउटिस्ट फोरम के उपाध्यक्ष राजेश सिंह ने आर्थिक लोकतंत्र की अवधारणा पर विस्तृत चर्चा करते हुए आंकड़ों के माध्यम से आर्थिक हालात का सटीक चित्रण किया। उन्होंने संगोष्ठी में उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए बताया कि अभी हम राजनीतिक लोकतंत्र में जी रहे हैं, जबकि सामाजिक आर्थिक समस्याओं का निदान आर्थिक लोकतंत्र द्वारा ही संभव है। इस संगोष्ठी को सफल बनाने में अशोक सिंह, पीयूष श्रीवास्तव, संजय तिवारी, अर्चना श्रीवास्तव, विनीता आनंद, तरुणेश देव, डॉक्टर नित्यदेव सहित प्रगतिशील भोजपुरी समाज के सदस्यों ने अपना योगदान दिया। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज संवाददाता से बात करते हुए प्राउटिस्ट फोरम के राष्ट्रीय महासचिव निरंजन कुमार ने कहा, प्रगतिशील उपयोग जो ये मानता है कि समयवाद और पूंजीवाद से हट करके हम एक उच्च स्तर के सामने पर और ऊंचे स्तर के विकास की प्रगति की कल्पना कर सकते हैं। प्रगति की अवधारणा भी इसमें बदली गई है कि प्रगति का मतलब केवल ये सुख सुविधाओं की इकट्ठा करना नहीं है, क्योंकि इन सुख सुविधाओं को इकट्ठा करने में क्या है बल्कि आप बैलगाड़ी से चलते थे जो घटनाएं होती थी तो आपको कंफर्ट लगती थी, हवाई जहाज से आप उड़ रहे हैं बहुत सुविधाजनक है, लेकिन हवाई जहाज से दुर्घटना होगी तो बचने की संभावना आपकी नहीं के बराबर होगी। तो जितनी टेक्नोलॉजी आगे बढ़ रही है जोखिम भी उतना ही ज्यादा है, संस्कारों का भोग भी उतना ही प्रबल हो रहा है। ये वास्तविक प्रगति नहीं है, भौतिक स्तर पर जो प्रगति है वह वास्तविक प्रगति नहीं है, बौद्धिक स्तर पर भी जो प्रगति होती है या मानसिक स्तर पर जो प्रगति होती है उसमें भी देखा गया कि बुद्धिजीवी जितना बौद्धिक रूप से विकसित होते हैं हर छोटी छोटी बात पर बहुत ज़्यादा परेशान होने लगते हैं, चिड़चिड़े होते हैं। जहाँ पर बौद्धिक विकास ज़्यादा हुआ है वहाँ पर पागलपन भी बढ़ रहा है, वहाँ पर न्यूरो साइंटिस्ट और साइकोलॉजिस्ट का रोल उनकी भूमिका बढ़ी है, जैसे अमेरिका और यूरोप इत्यादि में बात बात पर लोगों को मानसिक तनाव आने लगता है, तनाव बढ़ा है। तो इन सबसे हट करके प्रगति की परिभाषा की गई कि प्रकृष्ट गति इत्यर्थ प्रगति, वह गति जो प्रकृष्ट गति हो, वह गति जो परम पुरुष के परम तत्व के परम चेतन के आकर्षण में जो गति हो, जो शुद्ध चेतना के आकर्षण में जो गति हो वही गति वास्तविक गति होती है। बाकी जो मानसिक और भौतिक धरातल पर जो प्रगति हमको दिखाई पड़ती है ये वास्तविक प्रगति नहीं है, और यह जो भौतिक और मानसिक स्तर की जो उन्नति है यह सार्थक तभी है, यह प्रगति का हिस्सा तभी बन पाती है जब वह प्रगति हमारी परम चेतन से प्योर कॉन्शियसनेस से जुड़ करके होती है। तो हमको उस दिशा में प्रगति को सुनिश्चित करना होगा, उसके लिए न्यूनतम आवश्यकताओं की बात की गई है जो हमारे अतिथि के वक्ता करेंगे। प्रगतिशील भोजपुरी समाज और प्राउटिस्ट फोरम ने एक निर्णय लिया कि जो भोजपुरी भाषी क्षेत्र है वहाँ पे ये जो हम आर्थिक लोकतंत्र की बात कर रहे हैं उसके लिए जनमानस से, प्रबुद्ध लोगों से, युवा वर्ग से, छात्रों से, किसान से, पढ़े लिखे लोगों के साथ हम संवाद स्थापित करें। आर्थिक लोकतंत्र क्या है, हम आज के दिन में राजनैतिक लोकतंत्र में जी रहे हैं। राजनैतिक लोकतंत्र क्या है, आप 18 साल के हो गए, आप किसी जाति धर्म भाषा के बोलने वाले हैं कहीं कोई आपत्ति नहीं है, अगर आपने अपना वोटर लिस्ट में नाम चढ़वा दिया तो आप वोट दे सकते हैं। आप 18 साल के हो गए, जहां जहां शराब बेचना अलाउड है आप शराब पी सकते हैं, आप 21 साल के हो गए आप शादी कर सकते हैं, ये सब आपके राजनीतिक अधिकार हैं। लेकिन आप बीटेक कर लेंगे, आप एमबीए कर लेंगे, आप पीएचडी कर लेंगे, आपको नौकरी मिलेगी, इस बात की ना तो कोई गारंटी है, ना संविधान आपको कोई गारंटी देता है, ना सरकारों के पास कोई सिस्टम है, या सरकार इस बात को इंश्योर करती है कि नहीं, अरे वो तो पीएचडी हो गए उनको तो नौकरी मिलनी चाहिए, कोई गारंटी नहीं है। आप बीटेक करें, एमटेक करें, एमबीए करें, कहीं कोई गारंटी नहीं है, सिर्फ यही गारंटी है कि आप 18 साल के हो गए आप वोट दे लीजिए। और हमें क्या भ्रम होता है,
है कि अरे हमारे पास तो ताकत है, 5 साल में हम सरकार बदल सकिया। अच्छा ये बढ़िया काम न करिया तो 5 साल के बाद हम इनके बदल दे तो ठीक है। इसलिए आप लोग अपने आप को उस भ्रम से निकालिए कि वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग, फॉर द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल, ऑफ द पीपल, जनता का, जनता के लिए, जनता के द्वारा। आप एक भ्रम में जी रहे हैं, आपको एक भ्रम में रखा जा रहा है। इसलिए प्रभुत्व के प्रणेता श्री प्रभात रंजन सरकार जी कहते हैं कि नहीं, राजनैतिक आजादी तो होनी चाहिए, लेकिन राजनैतिक आजादी से ज्यादा जरूरी, ज्यादा महत्वपूर्ण, ज्यादा सर्वोपरि है उसको आर्थिक आजादी का मिलना। निरंजन कुमार, यह संगोष्ठी जो आयोजित किया गया है वह प्रगतिशील भोजपुरी समाज और प्रोटिस फोरम के तत्वाधान में आयोजित किया गया है। विषय है आर्थिक लोकतंत्र और इसमें इस मुख्य वक्ता के रूप में दिल्ली से प्रोटिस फोरम के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष राजेश सिंह जी और जनरल सेक्रेटरी निरंजन कुमार पधारे हुए हैं जो मुख्य वक्ता के रूप में, साथ ही प्रगतिशील भोजपुरी समाज के जो कार्यकारिणी के मेंबर हैं, जो अध्यक्ष हैं और सदस्य लोग हैं, वो लोग भी भोजपुरी, प्रगतिशील भोजपुरी समाज की अवधारणा और आंदोलन के ऊपर विशद चर्चा करेंगे। इस संगोष्ठी का मुख्य उद्देश्य यह है कि पूरी दुनिया में जो आर्थिक समस्याएं चल रही हैं, सामाजिक समस्याएं चल रही हैं, तो विभिन्न अवधारणाएं आई हैं, समाजवाद, पूंजीवाद और साम्यवाद, इन सारी व्यवस्थाओं को लेकर के ही दुनिया के सारे देश अपनी आर्थिक नीतियां बनाती हैं और आर्थिक समस्याओं का समाधान करने का कोशिश करती है। उसी संदर्भ में प्रौद्ध की एक विचारधारा आई जो कि इस सारे आर्थिक समस्याओं को एक नए आयाम देती है और नए तरह का समाधान देती है। वो उस प्रौत अवधारणा के आधार पर ये जो है आर्थिक समस्याओं का कैसे निदान किया जाएगा, उस संबंध में आज परिचर्चा हो रही है।